नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा हाल ही में गिग इकोनॉमी के ऊपर जारी किए गए अपनी रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने भारत में गिग अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए इस क्षेत्र में महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों की श्रम शक्ति के बारे में भागीदारी पर टिप्पणियां की हैं और महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों के हितों की रक्षा किस प्रकार से की जाए उसके लिए नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में अत्यंत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। आज के इस सेशन में हम लोग यह जानेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या है, इसके प्रॉस और कॉन्स क्या हैं, भारत में गिग इकोनॉमी की क्या स्थिति है तथा नीति आयोग ने महिला कर्मचारियों तथा विकलांग गिग वर्कर्स के लिए क्या क्या सिफारिशें की हैं। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने उन कंपनियों के लिए फिस्कल इंसेंटिव जिसमें कि टैक्स ब्रेक्स और स्टार्टअप ग्रांट्स जैसे वित्तीय प्रोत्साहन शामिल हैं को देने का प्रस्ताव दिया गया है। किनके लिए दिया गया है? तो जिनके कर्मचारियों की संख्या का लगभग एक तिहाई महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों से मिलकर बनता है। जो भी कंपनियां भारत में गिग इकोनॉमी के अंतर्गत महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं उनके लिए इस प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में स्विगी, जोमैटो, ओला और उबर जैसी प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए क्या करना है, तो उनके सामाजिक सुरक्षा मेजर्स को जैसे कि आय समर्थन हो गया, भुगतान किए बिना बीमारी के लिए अवकाश, बीमा, पेंशन योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा उपायों का भी विस्तार करने के लिए इस रिपोर्ट में बात की गई है। सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या है। तो गिग इकोनॉमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें अस्थाई पद, ध्यान रखिएगा, अस्थाई पद पर कोई संगठन अल्पकाल के लिए किसी के साथ में जुड़ाव का अनुबंध करता है। इसमें जो श्रमिक होते हैं ये श्रमिक मूल रूप से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र श्रमिकों के साथ ही विभिन्न कंपनियां अल्पकालिक जुड़ाव के लिए अनुबंध करती हैं। गिग श्रमिकों के अंतर्गत मूल रूप से फ्रीलांसर, स्वतंत्र संविदा कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, परियोजना आधारित, यानी यदि कोई काम करना है हमें और उस केवल उस काम के लिए ही कुछ श्रमिकों को रखना है तो उस परियोजना से संबंधित जो भी श्रमिक या कर्मचारी नियुक्त होंगे वह गिग वर्कर्स या गिग श्रमिकों की श्रेणी में आएंगे। यदि हम लोग ब्रेकअप के रूप में देखें तो भारत में लगभग 42% जो कर्मचारी हैं गिग इकोनॉमी के अंतर्गत वो हायर स्किल फ्रीलांसिंग के अंतर्गत जिसमें आईटी, डिजाइन, मैनेजमेंट आदि क्षेत्र आते हैं के अंतर्गत कार्य करते हैं। 17% जो इम्प्लॉई हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, वो पर्सनल सर्विस जैसे केयर, वेलनेस और टीचिंग के क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं। भारत में यदि महत्वपूर्ण गिग कंपनीज की बात की जाए तो उनमें ओला और उबर, स्विगी, जोमैटो, डिलीवरी, डुंजो, अरवन कंपनी, हाउस जॉय आदि प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में गिग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। गिग इकोनॉमी के अंतर्गत तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, गिग इकोनॉमी के अंतर्गत तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला है गिग वर्कर्स होने चाहिए, दूसरी वैसी कंपनियां होनी चाहिए जो ऑन डिमांड सेवाएं प्रदान करती हों, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कस्टमर्स या क्लाइंट्स जो इन कंपनियों से क्या करती हों, सेवाएं प्राप्त करती हों, और यह गिग वर्कर्स इन कंपनियों से सेवाएं लेकर के ये सेवाएं इन कस्टमर और क्लाइंट्स तक पहुंचाते हैं। तो ये तीन मुख्य कंपोनेंट हैं गिग इकोनॉमी के। यदि हम लोग गिग अर्थव्यवस्था का प्रभाव देखें
तो गिग इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रों पर अपना प्रभाव छोड़ती है। यदि हम लोग लेबर्स, कंज्यूमर्स, इंडस्ट्री, फूड सिस्टम और स्मॉल प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इन पांचों क्षेत्रों के ऊपर में गिग इकोनॉमी अपना प्रभाव छोड़ती है। यहाँ हम लोग मूल रूप से दो तत्वों पर बात करेंगे, एक है लेबर्स और दूसरा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स। तो लेबर्स की यदि हम लोग बात करें जो कि गिग अर्थव्यवस्था के जो आपके वर्कर्स हैं, वहाँ इन्हें लो वेजेस, कम मजदूरी प्राप्त होती है, इन्हें किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होता है, इनके टिप्स में काफ़ी कमी आती है और इनके काम के घंटों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वहीं स्मॉल प्रोड्यूसर्स की यदि हम लोग बात करें तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स मार्केट में अपना लाभ बनाने में काफ़ी इन्हें कठिनाई उत्पन्न होती है, ये जबरदस्ती टेक प्लेटफॉर्म्स का उपयोग इन्हें करना पड़ता है, इन्हें अपने व्यवसाय में नुकसान झेलना पड़ता है और वहीं इन्हें टेक कंपनियों को हाई रॉयल्टी भी प्रदान करनी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लाभ को कम करती है। बात करें यदि कि आखिर लोग क्यों गिग इकोनॉमी के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, तो एक सर्वे में पाया गया कि 48% लोगों का कहना है कि गिग अर्थव्यवस्था में काम करने से उन्हें उन्हें ऑटोनॉमी और उन्हें अपना कंट्रोल होता है, किसी के दबाव या किसी के अनुसार वो काम नहीं करते हैं, स्वयं अपने अनुसार ही अपने समय के अनुसार वो काम करते हैं। वहीं 19% का मानना है कि जब आप बेहतर जॉब की तलाश में हो उस समय अपने आय को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गिग इकोनॉमी में ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आप अपने कैरियर और फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 48% लोगों का कहना है कि गिग इकोनॉमी में काम करना चाहिए। वहीं 22% लोगों का कहना है कि वह केवल पैसे कमाने के लिए ही इस अर्थव्यवस्था में जुड़ना चाहते हैं। वहीं 55% लोगों का मानना है कि यदि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं दूसरी तरफ से अपनी नौकरी में रहते हुए, तो गिग इकोनॉमी का उन्हें सहारा प्राप्त लेना पड़ता है। यदि हम लोग भारत में गिग इकोनॉमी वर्कफोर्स की बात करें तो 2021 तक 77 लाख गिग वर्कफोर्स भारत में कार्यरत थी और यह जो रिपोर्ट है यह नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है। वहीं नीति आयोग का मानना है कि 2030 तक भारत में 2.35 करोड़ गिग वर्कर्स कार्य कर रहे होंगे इस क्षेत्र में, जो टोटल भारत के टोटल वर्कफोर्स का 4.1% होगा और वर्तमान में यह टोटल वर्कफोर्स का कितना है 2021 में 1.5%। आगे हम लोग गिग इकोनॉमी के प्रोस एंड कॉन्स को देखते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि इसका प्रोस क्या है। तो पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी एक गिग वर्कर को अपने नियोक्ता को चुनने का अवसर प्रदान करता है और वह कई स्थितियों में उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए दरें निर्धारित कर सकता है। दूसरा है गिग इकोनॉमी ने भारत में मास स्केल पर जॉब्स क्रिएट की हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पैशन का पीछा करता है तो उसके लिए गिग इकोनॉमी एक अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध करवाती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम लोग देखें, यदि कोई व्यक्ति है जिसका कि ड्राइविंग में क्या है, पैशन है, तो वह एज ए टेस्ट ड्राइवर के रूप में अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकता है। गिग इकोनॉमी ने भारत के दूर स्थित प्रत्येक क्षेत्र में या रिमोट एरियाज में जो कि अनरीचेबल हैं वहां पर नए जॉब के अवसर प्रदान करता है। वहीं प्राइस एडवांटेज हो जाता है कस्टमर्स के लिए, यानी कस्टमर सस्ते से सस्ता सामान भी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है जो उसे अपने घर पर ही प्राप्त होता है। यदि देखें तो रिमोट एरियाज के जो कस्टमर हैं उन्हें भी इस अर्थव्यवस्था के जरिए उन्हें विभिन्न प्रकार के वस्तु और सामान या सेवाएं प्राप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति रिमोट एरियाज में है तो उसे अपने घर के नज़दीक ही काम करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि हम लोग बात करें ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड वी वर्क इंडिया की रिपोर्ट का,
तो उनके शोध के अनुसार भारत में लगभग 14.9% गिग वर्कर्स फ्रीलांसर के रूप में काम करने की इच्छा रखते हैं। वहीं एक अन्य अध्ययन में कहा गया है कि देश के 17% युवा महिलाएं और 26% युवा पुरुष गिग इकोनॉमी में भाग लेने के लिए रुचि रखते हैं। यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और बी वर्क इंडिया का शोध में यह बात सामने निकल करके आई है। वहीं बात करें कॉन्स की, तो लाभों का अभाव यहाँ पर क्या है कि विभिन्न प्रकार के लाभ जो है उनका अभाव गिग वर्कर्स को प्राप्त नहीं हो पाता है। गिग श्रमिकों को काम पर रखने वाला कोई भी संगठन उन्हें अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे सवेतन अवकाश हो गया या स्वास्थ्य बीमा हो गया या छुट्टियां आदि प्रदान नहीं करता है। यही यहाँ पर क्या है कि इनकंसिस्टेंट पे है, असंगत वेतन जो है गिग नौकरियों के का प्रमुख दोष है। आपको उस परियोजना या आप जिस परियोजना या कार्य में शामिल हुए हैं उस कार्य के आधार पर ही भुगतान किया जाता है जिसके लिए आपको काम पर रखा गया है। यदि हम लोग उदाहरण के रूप में समझते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर है और वह किसी विशेष दिन कोई सवारी नहीं करता है, यदि उसकी तबीयत खराब हो गई किसी दिन और उसने किसी भी पैसेंजर या सवारी को अपने गाड़ी पर सवारी नहीं करवाई, तो उस दिन वह व्यक्ति पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि आप जो सेवा देंगे, जो सर्विस देंगे, उसी सर्विस के आधार पर आपको भुगतान गिग इकोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की अतिरिक्त सेवाओं में भी कई प्रकार की असंगतियां विद्यमान होती हैं। सेवा प्रदाताओं के द्वारा जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं गिग इकोनॉमी में, वे अपने भागीदारों का उत्पीड़न करते हैं तथा इस क्षेत्र में स्थायी रोजगार की अनिश्चितता बनी हुई है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सिफारिश के बिना किसी सर्विस प्रोवाइडर पर भरोसा करना अत्यंत ही मुश्किल है। नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें तो नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन किया है उसके अनुसार किसी भी संगठन में अपनी श्रम शक्ति की भागीदारी कम रही है। यानी जो भी कंपनियां वर्तमान समय में गिग इकोनॉमी के अंतर्गत काम कर रही हैं उसमें महिला श्रम शक्ति की जो भागीदारी है वो अत्यंत कम रही है, जो पिछले कुछ वर्षों में 16-23% के मध्य रही है। इसी प्रकार हम लोग विकलांग व्यक्तियों की बात करें या दिव्यांगों की बात करें, माफ कीजिएगा विकलांग शब्द का उपयोग न करें, उनके लिए दिव्यांग शब्द का उपयोग करना चाहिए, तो दिव्यांग व्यक्ति जो भारत की कुल आबादी का 2.11% से 10% हिस्सा है, उनकी श्रम शक्ति भागीदारी दर गिग इकोनॉमी में वर्तमान समय में 36% के आसपास है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा तक पहुंच और कौशल की कमी जैसी संरचनात्मक बाधाओं ने देश की श्रम शक्ति में दो जनसांख्यिकीय समूहों की भागीदारी में बाधा उत्पन्न की है। भारत के यदि शहरी केंद्रों की बात करें तो किए गए सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि महिलाओं की शिक्षा और शादी के बाद इस क्षेत्र में नौकरी करने की अधिक संभावना है। वहीं नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए हैं, तो वो यहाँ पर हम लोग प्रमुख सुझाव को देख लेते हैं। नीति आयोग की प्रमुख सिफारिशों में कहा गया है कि उन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए या वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करना चाहिए जो महिलाओं और दिव्यांगों को आजीविका का एक अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। संस्थाओं के द्वारा अपने संगठन के अंदर अधिकाधिक महिला प्रबंधकों और पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव आदि दिया जा सकता है। वहीं कंपनियों को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो गिग वर्कर्स को उनके बढ़ते उम्र या रिटायरमेंट प्लान की विभिन्न लाभों की पेशकश करती हो, जिसमें इंश्योरेंस कवर और कंटिंजेंसी
योजनाएं शामिल हो सकती हैं। जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में कहा गया है कि कॉर्प्स फंड से सामाजिक सुरक्षा कवर भी आकस्मिकता या कंटिंजेंसी के मामले में गिग वर्कर्स की मदद कर सकता है। इस प्रकार की योजनाओं और नीतियों को संगठनों को बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी में विशिष्ट रूप से डिजाइन करना चाहिए तथा या यह भी हो सकता है कि सरकार के सहयोग से डिजाइन किया जा सकता है और इसे गिग वर्कर्स के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त साझेदारी मोड में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ हमें देना चाहिए, व्यवसायों को श्रमिकों की आय सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए, काम में अनिश्चितता या अनियमितता के कारण होने वाली जो आय हानि होती है, इनकम लॉस जो है, ये सुनिश्चित न्यूनतम आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनियों को बीमा कवर के अलावा उन्हें सवैतन बीमारी अवकाश की पेशकश करने का भी सुझाव इस रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट में नीति आयोग का अनुमान है कि 2020-21 तक भारत में 75 लाख या 7.5 मिलियन गिग वर्कर्स गिग इकोनॉमी के अंतर्गत काम कर रहे थे, जिसके अगले 8 वर्षों में 23.5 मिलियन होने की संभावना है, जो भारत में कुल आजीविका का लगभग 4.1% हो जाएगा। वर्तमान समय की यदि हम लोग बात करें तो 22% जो हमारे गिग वर्कर हैं वो हाई स्किल्ड जॉब में हैं, 47% मीडियम स्किल्ड जॉब में हैं और 31% जो है लो स्किल्ड जॉब में कार्यरत हैं। यहीं पर गिग वर्कर्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया है नीति आयोग ने। पहला है कि प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म आधारित जो गिग वर्कर्स हैं, वैसे गिग वर्कर्स हैं जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काम करते हैं, जबकि गैर प्लेटफॉर्म जो गिग वर्कर्स हैं वह आमतौर पर कैजुअल वेज वर्कर्स होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करते हैं। रिपोर्ट में भारत में गिग वर्कफोर्स की भी बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि रिटेल, ट्रेड और सेल्स में भारत में लगभग 26.6 लाख गिग वर्कर्स काम करते हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक है। इस क्षेत्र में काम करने वाले गिग वर्कर्स की संख्या सर्वाधिक है। वहीं ट्रांसपोर्टेशन में 13 लाख, फाइनेंस और इंश्योरेंस में 6.3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग में 6.2 लाख और एजुकेशन में 1 लाख गिग वर्कफोर्स भारत में काम करते हैं। नीति आयोग के सुझावों के महत्व को देखें तो रिपोर्ट के अनुसार जो है प्लेटफॉर्म कंपनियों ने रोजगार के नवीन अवसर जरूर पैदा किए हैं, जो अक्सर कम वेतन, असमान लिंग भागीदारी और एक संगठन के भीतर ऊपर की ओर गतिशीलता की जो संभावना है उसकी कमी से प्रभावित होता है, जिसके कारण स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर और अरवन जैसी जो कंपनियां हैं उसके कर्मचारियों ने भी विरोध प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है और वह एक समान पे आउट और इंसेंटिव कट्स के लिए हमेशा प्रदर्शन वगैरह भी करते रहते हैं। रिपोर्ट के महत्व को देखें तो गिग श्रमिकों को आमतौर पर कंपनियों द्वारा अनुबंध के आधार पर काम पर रखा जाता है और उन्हें उनका कर्मचारी नहीं माना जाता है, जिसके कारण उन्हें कंपनी के ऑन रोल कर्मचारियों के समान लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। तो इन लाभों को गिग वर्कर्स तक पहुंचाने के लिए यह जो रिपोर्ट है अत्यंत ही लाभप्रद शामिल हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। यदि आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।